पदार्थ में भी अलग अलग तीन पर्याय जो बताए हैं, पदार्थ अपने तरफ से द्रव स्वरूप में भी रहता है, इन लिक्विड फॉर्म, वही वापस कभी परिवर्तन होकर के गैस फॉर्म में भी ट्रांसफर होता है और वही वापस कभी सॉलिड फॉर्म में ठोस रूप में भी है। पर्याय का परिवर्तन निरंतर सतत चलता रहता है, फिर कभी वापस सॉलिड फॉर्म में से गैस फॉर्म में आएगा, फिर वापस गैस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में आएगा, हो सकता है कि द्रव फॉर्म में से वो सीधा जा करके ठोस पदार्थ में सॉलिड बन जाए, हो सकता है कि सॉलिड में से वो सीधा वापस द्रव पदार्थ में आ जाए, हो सकता है कि द्रव पदार्थ में से सीधे जो है, ये इनके पर्यायों का परिवर्तन है। उत्पाद स्वरूप में व्यय स्वरूप में अब इसके अंदर उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश जिस क्रम से जो होना है निरंतर, पानी जम गया, जम करके बर्फ बन गया, यानी ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू द सॉलिड फॉर्म, अब ये लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में आ जाएगा, वापस बर्फ पिघल गई सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में आ गया। सो दिस इज द चेंजेबल मॉडल। अब ये कब किस रूप में पर्याय परिवर्तन करेगा, ये तीनों पर्याय हैं, बदलती रहती है, फिर वापस प्रण बदलेगा, फिर बदल करके आएगा सब वही पदार्थ अपने अपने द्रव में से आता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, आपने मिला दी उसको लिक्विड फॉर्म में, द्रव रूप में पानी बन गया, वही गैस रूप में वापस, तो जो इसकी पर्याय जिस तरह से बदलती रहे। इधर देखिए महावीर ये कह रहे हैं कि पर्याय चाहे अनंत बार कितनी बार बदले, द्रव्य स्वरूप उसका पदार्थ स्वरूप जो है वो कोई नष्ट होता नहीं। इधर देखिए हमारी आत्मा जब जाकर पानी में अपाय के रूप में जन्मी, फिर वापस मांस से वायुकाय के रूप में गई, अब हमारी आत्मा ने तो ये सब परिवर्तन किया, हम कितने इस रूप में पर्याय परिवर्तन करते रहे, और ये किसकी है, उद्गल पदार्थ की पर्याय। अब उद्गल जो है उसको धारण करने वाला कौन है, जीव, परमाणु है जगत के अंदर, तब तो जीवात्मा उसको ग्रहण करके अब पर्याय बदलेगा और क्या करेगा। आज अगर हम महावीर को पूछे भगवान मैं प्रवाही रूप में पानी के बहाव में कितनी बार गया, यहाँ आप पूछो कि ये भगवान मैं गैस रूप में वायु वायु के अंदर कितनी बार गया, ये सारा गणित बदलेगा। अब इसके अंदर जीवों की उत्पत्ति के रूप में कब कैसी होती है, आइदर दे कैन चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू द सॉलिड और सॉलिड टू द लिक्विड, आइदर दे कैन चेंज फ्रॉम द गैस फॉर्म टू द लिक्विड फॉर्म, आइदर दे कैन चेंज फ्रॉम गैस फॉर्म टू द सॉलिड फॉर्म, ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, इसे है पर्यायों का परिवर्तन। नाउडेज द साइंस इज ट्राइंग दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक भी पदार्थ कभी नष्ट होता ही नहीं है, समूल संपूर्ण रूप से किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता है। अरे ख्याल में क्या ऐसा करते हो, एक सेंटेंस के लिए ऐसा करते हो, एक भी पदार्थ समूल संपूर्ण नाश तो किसी का नहीं। देखिए चेतन आत्मा का नाश तो वैसे भी नहीं, लेकिन उद्गल पदार्थ का भी सर्वथा संपूर्ण नाश होने का, उद्गल पदार्थ का भी संपूर्ण नाश नहीं, उद्गल स्वद्रव्य भी परमाणु पर्याय में शाश्वत है। Changing.
दैट इज कॉल्ड पर्याय। ये सारी परिवर्तनशीलता जो है ये पर्याय के अंदर निरंतर चलनी है हमेशा। भगवान को पूछा गया है, भगवान अनंत काल के अंदर एक परमाणु भी नष्ट होता है? ध्यान दीजिए, महावीर साफ ना कह रहे हैं अनंत 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 कितना भी काल बदल जाए परमाणु की मात्र पर्याय बदलेगी, परमाणु का समूह संपूर्ण नाश होना संभव ही नहीं। फिर वापस परमाणु जुड़ेंगे, कंपाउंड फॉर्म में आएंगे, कंपाइंड बनेंगे, फिर वायु फिर बनेगा, जीव ग्रहण करेगा, कोई भी आत्मा लेगी। अनंत 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 परमाणुओं को आत्मा ने लिया, शरीर बनाया, फिर छोड़ दिया। ये मैं बैठा हूँ, पाठ है किसकी है? लकड़ी की है। लकड़ा किसने बनाया सर? पाठ बनाने वाला कारपेंटर है। कारपेंटर है गिवन ओनली द शेप एंड साइज, लेकिन मॉडर्नली गुरुभूत जो है एक जीव आया वो जन्म ले रहा है पृथ्वी में, वनस्पति के रूप में ऊपर आ रहा है, वो तना बन रहा है। अब उस तने को काटेंगे, उसको ला करके शेप देंगे, काटा पीटा घसा रोटी कुछ प्रोसेस की, उसमें से उसका जीव चला गया। अब ये जड़ स्वरूप के अंदर हजार बरस पड़ी रहे भाई साहब, क्या है? फिर ये पांच जो है लकड़ा कल लेना करके इसको पाउडर कर दो। सुनिए ढंग से, इस लकड़े का पाउडर होना है रोज सौ मिल के अंदर, और बारीक पाउडर करके आपके साड़ी के लाल रंग जो होता है उसी में रंगा जाता है, उसको मिर्ची में मिलाया जाता है। महिलाएं घर में बराबर खाती हैं, भिंडी में मिर्ची भरो, टिंडी में मिर्ची भरो, और तुरिया में भी भरो, खाओ। आपने मिर्ची खाई, आपने वापस संन्यास में गई, वो वापस जो है प्रोसेस के अंदर से खेतों में आई, खेतों में खाद बन गई, खाद में से फिर गेहूँ गया, फिर आपने गेहूँ लाया, फिर आटा बनाया, फिर रोटी खाई, फिर जो है अब ये प्रोसेस चलती है। क्या हुआ? परमाणु है वहीं पर है, आज हमें हमारा शरीर है, कल मरेंगे, शरीर को जलाया जाएगा, खाद बनेगी। आज शरीर का आपका वजन कितना है? 80-90-100 जो भी है। अब ये वजन आपका आज है, कल जलने पर राख कितनी होगी? 100 किलो वजन की राख 100 ग्राम। क्या हो रहा है ये सब? ये मॉलिक्यूल फॉर्म में जो आज हमने जितने एटम्स लेकर के कंपाउंड फॉर्म में की इकट्ठे किए हैं, सब वजन किसका है? आत्मा का वजन होता ही नहीं है। आत्मा कैसी है? सर्व का वजन रहित है। जो भी वजन है वो किसका है? दुर्गल द्रव्य का है। अब आपने वजन लिया, इकट्ठा किया और वही बदल करके जल करके शरीर का वो राम बन करके फिर लोग कहाँ ले जाते हैं? नदी में बहा देते हैं। नदी का पानी खेतों में आता है, खेतों में वापिस उसी पानी से खेती होगी, फिर वापिस वही खनाज आप खाएंगे, वही तो चल रहा है प्रक्रिया। हमने आज पानी पिया, हमने पेशाब किया, वो नदी नालों के अंदर बहता समुद्र में गया, उसका वापिस बाष्पीभवन वेपोरेटर्स होगा, अब वो बादल बन गए, फिर बादल बरस गए, फिर वही पानी आया, फिर वही पानी हमने पिया, फिर वही पेशाब किया, फिर वही नाले में गया, फिर वही समुद्र में गया, फिर बाष्पीभवन हुआ। व्हाट इज दैट साइकिल व्हिच इज गोइंग ऑन? महात्मा जब आहार करने के लिए बैठे और तपस्वी मुनियों का कफ वाला थूक जो है, और वो जब उन्होंने खाया तो क्या चिंतन किया? अरे ये जीव, ये सब दुर्गल के परमाणु है, ऐसे दुर्गल के परमाणु में क्या चिंता करना है? मेरा भी शरीर क्या है? मेरे अंदर भी देखो तो अंदर क्या है? मैं भी खोलूँ तो अंदर तो कफ मांस रक्त वगैरह यही तो है, अब क्या फर्क पड़ा तेरे को भाई? क्या मन पड़ा है? ऐसे तो कई जन्म हमने भी धारण किए, बड़े अच्छे चिंतन की धारा में चढ़े हुए अनित्य अशरण अशुचि ऐसी भावनाओं का चिंतन करते हुए जैसे कौल खाते हैं और उस धारा के अंदर शरीर शरीर की क्रिया कर रहा है, खाने की क्रिया की, जीभ पर आया, गले से उतरा, पेट में गया, बस ये खाने की क्रिया हो गई, लेकिन धारा जो उनके चिंतन की चल रही थी,
भावनाओं में से ध्यान में चढ़ गए, कर्म क्षय हो गए, केवल ज्ञान। अब ये सोचिए, दूसरे साधु तीन जने मांसक्रमण के अंदर बैठे हैं, अंदर मांसक्रमण के तपस्वी है, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ अभी, और जब ये महात्मा को केवल ज्ञान हुआ, देवता है अंदर, देवताओं ने आकर के पूछा, महाराज जो दरवाजे पर बाहर थे, महाराज केवली महात्मा कहाँ है, उनको वंदन करना है, तो मालूम बोलो क्या है, यहाँ कौन केवली छे, कहाँ है यहाँ कौन केवली वेले को जे, महाराज साहब उनको जाने दो, हम केवली महात्मा का दर्शन वंदन करने आए, ए मांसक्रमण हमारा चल रहा है, ये महात्मा मांसक्रमण वाले तपस्वी है, ये महात्मा मांसक्रमण वाले तपस्वी है, क्या ये केवली केवली लगाया, महाराज साहब आपको भी वंदन करेंगे, पहले केवली महात्मा को वंदन करेंगे, इसको केवल ज्ञान हुआ है, वो देखो पहले, अरे ये तो बहुत खाए थे, मांसक्रमण तो हमारे थे, ये बहुत खाना है, नहीं केवल ज्ञान तत्व से गए, आप इधर करिए, आप कौन हो, देवलोक के देवता ऐसी गलती नहीं करते, महाराज साहब आप केवली की आराधना मत करिए, महात्मा जी को केवल ज्ञान हुआ है, हम दर्शन करने करते हैं, आप मांसक्रमण कर सकते हो, तपस्या बड़ी कर सकते हो, जेलसी कम नहीं कर सकते, ये बड़ी समस्या हमारे अंदर है, शरीर से काया से उपवास करना और अंदर आत्मा से बिल्कुल ही आप जो है जेलसी कम नहीं कर सकते। चौदहवां पापस्थानक इसका नाम है वैशून्य वृत्ति, अंदर जेलसी की वृत्ति आ रही है, द्वेष बुद्धि, ज्ञान में द्वेष है आपके अंदर, जैसे द्वेष बुद्धि कर रही है, महावीर कह रहे हैं तब कम ज्यादा करो चलेगा, लेकिन 18 पापों का सेवन कम करो पहले, 18 पापस्थानों का आचरण कम करना, सेवन कम करना, ये मांसक्रमण से बड़ा सब है, बड़ा कर। अब लौकिक व्यवहार में समाज के अंदर बाहरी सामाजिक वृत्तियों के अंदर हमने ये जरूर बनाया है कि जो मांसक्रमण करे उसी का बहुमान, मांसक्रमण करके उसको सोने की चैन का बहुमान, बड़े लोग जो है उनकी अनुमोदना करते हैं, और एक व्यक्ति अगर ये संकल्प करे मैं किसी के साथ किसी प्रकार की जलसी नहीं होता, सोच लो आप, अगर वो वर्ष भर भी करता है तो भी हम उसको इतनी प्राधान्यता नहीं देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने 8 दिन के उपवास कर लिए, 28 कर लिए, बहुत मांसक्रमण कर लिया, तो उसकी हम इतनी ज्यादा प्रशंसा अनुमोदना करते हैं, क्यों भाई साहब ये बाह्यता व्यवहार में आ गया, इसलिए लोगों ने देखा देखा लोगों को पता चला, इसलिए आप अंदर अपनी आत्मा के अंदर ये भी तो प्रयत्न करो, यहाँ हम जिसकी बात करते हैं, अब अरे विजय बोला है, ओ भाई साहब विजय जी के बेटे आप अंदर जरा ये लैपटॉप चलाना है, और कुछ नहीं, वो क्या जो आने वाले हैं वो 10 बजे के बाद ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इन पदार्थों की पर्याय बदलती रहेगी, इधर देखिए पानी में भी लिक्विड फॉर्म में भी जीव है, यहाँ पर गैस फॉर्म में भी जीव है, सॉलिड फॉर्म में भी, ये तो गुगल के पिंड है, आगे जीव ही तो इसको धारण करेगा, इसलिए महावीर ने कहा हवा में भी जीव, अरे ख्याल आपको हवा के अंदर जीव है ये विज्ञान कब सिद्ध करेगा, 1000 साल में भी विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दैट हैविंग द लिमिटेशंस ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड साइंस इज नॉट एक्सेप्टिंग द लिविंग बींग्स एंड द सोल इज ओनली द बेस ऑफ द फिजिक्स सॉलिड, या बाहर के जड़ मंगल पदार्थों पर ही विज्ञान आश्रित हो गया है। अब यहाँ पर हमने देखा पानी के जीवों का शरीर ही कैसा होना है, औदारी परिणाम के पुत्र परमाणु, अब उस जीव की विशेषता है कि उस जीव ने शरीर की रचना अपने कैसे, कौन करेगा भाई सर, अब दुनिया के अंदर तो सब लोगों ने ईश्वर को बता दिया, ईश्वर ने ऐसा शरीर बनाया, ईश्वर ने ऐसा बनाया, ईश्वर ने, महावीर नाम कह रहे हैं No one is the creator of this universe. The whole universe is not created by the God, and God is not created by the whole universe.
बोलेंगे
तो उस हिसाब से उस देश के क्षेत्र काल में हवा में गर्मी में पानी में सब में टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा, वरना गंदर स्पर्श में फर्क पड़ेगा। इसी कारण देखिए चाइनीज लोग कैसे होते हैं, नेपालियन लोग कैसे होते हैं, अफ्रीकन लोग कैसे होते हैं, इंडियन लोग कैसे होते हैं, ये सारा गणित बदल जाएगा। जब आप देखोगे तब पता चलेगा 14 लाख मनुष्य ये जो संख्या बताई गई है और उसी के आधार पर समाज की रचना है, देश की रचना है। अब इसमें से आप अलग अलग हम यहाँ पर किस नॉर्थ पोल में साउथ पोल में पोलर क्षेत्र के अंदर जो है वो वहाँ के एरिया जिस प्रकार के बने हुए हैं, क्यों अमेरिकन लोग ऐसे होते हैं, क्यों जापानीज लोग ऐसे होते हैं, क्या किस कारण से है, अब वो सारा 14 लाख का हिसाब निकालेंगे तब गणित बैठेगा। अब टेम्परेचर कहाँ कितने प्रमाण में, जहाँ तेज गर्मी होगी हवा पतली होती जाएगी, हवा जैसे ही पतली होती गई हवा का फ्लो बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं हमेशा आंधी तूफान जो है कब आते हैं, समर वेकेशन के अंदर आते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन जो बनता है तो उस हिसाब से कैसे। अब ये अंदर से हवामान का परिवर्तन कैसे, हवामान का जो है पहले से कैसे ध्यान रखना, कथा कैसे चलेगा। आज भी विज्ञान के अंदर इतने इक्विपमेंट्स बने, इतने साधन बने, लेकिन 24 घंटे के पहले भी वो अनाउंस नहीं कर सकते हैं कि भाई इतने बजे बारिश आएगी, इतने बजे फ्लड आएगा, इतने बजे सुनामी आएगी या इतने बजे। ऐसी स्थिति के अंदर अलग अलग प्रकार से जब हम देखने जाएं तब तो हमको ये पता चले। जीवों के लिए मतलब ये है कि श्वासोश्वास वर्गना, अब जिस तरह से श्वासोश्वास की वर्गना समग्र विश्व में सर्वत्र है और इन समस्त वर्गनाओं को समस्त जीव जो है ग्रहण करते हैं, कोई भी जीव यहाँ पर है आप उसको बिना श्वास लिए चलेगा ही। जब इसके अंदर ही अनंत जीव है और इन अनंत जीवों को श्वास लेकर के ही ग्रहण करना है, तो क्या लेना है इनको। हमारी व्यवहार की भाषा के अंदर हमने ये शब्द दे दिया है, अब ये इसको एक प्राण की संज्ञा दी, ये प्राण की संज्ञा के रूप में प्रत्येक जीव को ग्रहण करना अनिवार्य। अब ये हमारे आयुष्य कर्म के साथ जुड़ गए और आयुष्य कर्म के साथ श्वास का अनिवार्य संबंध हो गया। अब संबंध के आधार पर बरोबर गाड़ी चलती रहेगी तो हम क्या ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं श्वास में ऑक्सीजन ले रहे हैं या हवा के माध्यम से श्वासोश्वास वर्गना है। तो यहाँ पर आपको शब्द जो नामे ने दिया है अब ये यहाँ पर वर्गना जी है, वर्गना मतलब क्या, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर स्पेशली पर्टिकुलर किस प्रकार के परमाणु का ग्रुप है, तो ये है कि ऐसे परमाणु का रूप और जिसमें अनंत परमाणु है वो आत्मा को सिर्फ श्वास लेने में ही काम। हमने एक रविवार की शिविर में समझा है फिजिक्स के अंदर जैन साइंस में 8 प्रकार की वर्गनाएं के परमाणु हम ग्रहण करते हैं और जीव आत्मा ही लेकर के अपनी अलग अलग रचना करे। अब ये रचना करे तो इसके साथ हमारा संबंध बरोबर जुड़ गया, निरंतरता इसके साथ आ गई कि हम अब इसके बिना नहीं रह सकेंगे, हम इसके बिना नहीं जी सकेंगे, अनिवार्य रूप से हमको ये लेना ही लेना है। प्रत्येक जीव के लिए निगोद का जीव लेगा, एक इंद्रिय के जीव लेंगे सभी प्रकार। तब परमात्मा को पूछा जाए हे भगवान संसार के किस कोने में कहाँ पर श्वासोश्वास वर्गना है या श्वासोश्वास वर्गना नहीं, तब मामे
महावीर कह रहे हैं कि श्वासोश्वास वर्गना के बिना का चौदह राज्यों का एक एमएम क्षेत्र भी खाली नहीं है। जहाँ पर सर्वत्र जीव है, अब सब जगह जीव है और सबको श्वास लेना ही लेना है, अनिवार्य रूप में जब लेना है। अब इसके साथ जो हमारा जोड़ा हुआ है, आपको ये देखना है कि किस तरह से ये हमारे अंदर जो आत्मा है, अब इस आत्मा ने अपने अंदर आयुष्य कर्म जो बनाया है, इधर देखिए ये आयुष्य कर्म के अंदर इसने अपनी तरफ से पिछले जन्म से जैसे ही ये कार्बन वगैरह के कुंडल परमाणु आयुष्य के साथ में लेकर के आया, ये है सबका अपना अपना आयुष्य कर्म। अब इधर देखिए जिस तरह से आयुष्य कर्म का उदय है, यहाँ से बरोबर हम लेकर के ये श्वासोश्वास बरोबर चला रहे, सबकी श्वास बरोबर चल रही है, और यहाँ से जैसे सिलेंडर में से आपकी गैस रोज निकलती है, प्रतिक्षण हमारे आयुष्य कर्म के दलित, महावीर ने जो शास्त्र में संज्ञा दी है वो है दलित, ये परमाणु निरंतर निकलते जा रहे हैं। हम अंदर से ही बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन बाहर निकालने के लिए मीडिया हमने श्वास का बनाया, बाहर से लेके श्वास अंदर जाएगी, आयुष्य कर्म के दलित के साथ जुड़ेगी, वहां से इलेक्ट्रॉन को लेगी, फिर बाहर निकलेगी, ये चलते चलते बरोबर अब आपके जीवन का जो है आयुष्य काल बरोबर बीतता जाएगा, चलता जाएगा। आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आपका जन्म होगा, लेकिन यहाँ पर जीव माता के गर्भ में प्रवेश किया, अब ये गर्भ काल जो चल रहा है ये सारे 9 महीने का काल, इसमें बरोबर श्वास जीव ले रहा है, श्वास की क्रिया निरंतर चल रही है, पहले क्षण से चल रही है। अब यहाँ जन्म लेकर के अब वो अपने जीवन के जितना काल बीमा रहा है, तो वो किस आधार पर बीत रहे हैं, आपके जीवन के काल की बात करो, अब ये यहाँ पर इसका आधार, ये जीव जो कुछ जैसे अपना श्वासो श्वास वर्गना के कुंडल परमाणु अब वो जिस तरह से लेते आ रहा है, इसी के आधार पर आप बताएंगे ये सारे 9 महीने बीत गए, 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 5 बरस, 10 बरस, अब ये जीवन के बरस बीतते जाएंगे, जैसे जैसे बीतते जाएंगे आप उम्र से बड़े होते जाएंगे, उम्र से बड़े होते होते आप अपना जीवन जीते जाएंगे। कहाँ तक पहुँच गए आप, 50 पर, 60 पर, 70 पर, 80 पर, अब बाकी कितने हैं, आपके कितने बाकी हैं, जहाँ तक पहुँच गए ये आयुष्य चल रहा है, इधर देखिए अब चलते चलते ये भी तो आपका कम तो होगा कि नहीं होगा, जैसे 1 महीने में गैस का सिलेंडर खाली होता है, अब यहाँ तक आप आ गए, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये 70 आपके पीछे हैं, अब आपके अगर 30 बाकी है, गिरेंगे मास्टर गिरेंगे, अब अगर 70 में आपके हो गए और 30 बाकी है, 60 बीत गए और 40 बाकी है भंडारी जी, लेकिन 100 हो गए तो ये रेशियो बढ़ेगा, 100 बरबर हो तो, अगर आपका है 80 तो फिर आप उसमें से चलो, अब आपका है 70-75 तो उसके हिसाब से चलो, बताए आप लोग, अब उस हिसाब से आप कटिंग करो भाई, तो ये चल रहा है, ये है आयुष्य का। अब इधर देखिए आगे चलते चलते ये आपका खत्म होता जाएगा, अब आपका जैसे ही खत्म हुआ तो अगले जन्म में जाने के लिए अब खाली लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको वापिस पूरा भर के लेके जाना है, फिर ये आपको पूरा करना है कि अब यहाँ से अगले जन्म में जाने के लिए फिर नया आयुष्य आपको बांधना है,
cylinder is the same. Always you have to refill the gas inside. आप refilling कराते जाओ, आयुष्य दूसरे भव का बांधते जाओ, अब आयुष्य बांधते आप कर्म बांध करके साथ में लेकर आप दूसरे भव में जाइए, फिर वहां मर गए तो तीसरे भव में जाओ। एक चींटी चल रही है, वो अपना आयुष्य लेके आए, एक मक्खी मच्छर अपना आयुष्य लेके आए, एक हवा का जीव अपना आयुष्य लेके आए। एक हवा का जीव कहीं तो उसको बराबर सुरक्षितता मिल गई, वो जिएगा कितना साल? या तो अंतर्मुर्त जी। अब आपने पंखा चालू नहीं किया, आपने एसी चालू नहीं किया, आपने कूलर चालू नहीं किया, उसको प्रहार नहीं लगा तो सुरक्षित रहे। अब सुरक्षित रहे तो रहे 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 तो वर्चुअली मैक्सिमम आयुष्य 3000 साल तक हवा जी सकते। हवा के अंदर गया हुआ जी बिना किसी प्रहार के जिए 3000 वर्षों तक। लेकिन अब ये सब जीव जो अपनी तरह से जिस तरह से भी जिए, अब इनको ही जीना ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि ये भी जीव जो आए हैं, अब इनको भी तो जीवन जीना है, तो इनको भी क्या लेना है? अब ये बरोबर जो है ये भी श्वास ले रहे कि नहीं ले रहे? कभी आप इसका भी विचार करिए। इधर देखिए, आप इसमें कितने जीव है, आपको लगती है एक फ्लेम जो है, ये ज्योत जो है, इस ज्वाला के अंदर भी कितने जीव है? अब ये जो एक शरीर में सबके अपने अपने शरीर अलग अलग हैं, ये अपने अपने शरीर को लेकर के सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबका एक समान एक जैसा शरीर और सब मिलकर के एक ज्योति जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब इन जीवों को अपना जीवन जीना है। अब इनको जीवन जीने के लिए भी आहार पानी श्वास शरीर स्पर्श इंद्रिय सब चाहिए कि नहीं चाहिए? अनिवार्य, बिना इसके तो जी नहीं सकते। आप देखिए आपसे कि अपने इसको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, अभी इसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो। आप ये जहां पर जिस तरह से अपना जीवन दे रहे हैं, यहां ला करके इसके ऊपर एक डब्बा ढक दो, अब क्या हुआ? इसको ऑक्सीजन मिलने बाद से बंद हो गई, क्या होगा? अब इनको खाना पीना वगैरह कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये अपनी तरह से जीवन जीने के अंदर इनका आहार है, ये आप इसके अंदर घी से जो डालो, अब वो बरोबर इनको सप्लाई होता रहे, बरोबर घी पिएंगे, तेल डालो तेल पिएंगे, पेट्रोल डालो पेट्रोल पिएंगे, केरोसिन डालो केरोसिन, इनको आहार मिलना चाहिए। आप कपड़ा दे दो तो कपड़ा खाए, आप लकड़ा दे दो तो लकड़ा खाए, और क्या करेंगे भाई? इनको भी इनका आहार मिलना तो चाहिए, बिना आहार के ये भी नहीं जी सकेंगे। आप भी तो घी लेते हो कि नहीं लेते? घरे में तो कोई नहीं ले, अगर प्याज ना रहे तो बरबर एक कटोरी लेना, उसमें घी लेना, फिर उसमें सूटामू लेना, फिर शक्कर लेना, ये सब चक्कर चलता है भाई साहब। और एक भाई साहब तो दो थाली हाथ में लेके चलते हैं, सबके सामने रख देते हैं, अब महिला अपने हाथ से जो भावे जितना भावे ले, अब वो भाई साहब कहते हैं मैं 22 साल से बेरोजगारी करता हूँ, मेरे को डबल लाभ मिलता है, दो हाथ में दो थाली, क्या एक थाली मिठाई की, एक थाली सोचने प्रॉब्लम की, एक थाली ये है जिसको जो लेना हो ले, और महिला अपने हाथ से ले लेती है। भाई साहब को मालूम नहीं है कि इधर अंतराय वाले भी बैठे हैं, इधर ये महिलाएं भी बैठी हैं, अब वो तो सबके पास जाएंगे, अब मैंने सब को लाभ मिला। ये लोग सब एक एक थाली लेके जाते हैं, मैं डबल थाली ले, ये पहले दिन लोग में जाएंगे तो मैं सीधा ही दूसरे दे, अब समझाओ तो कैसे? एक जने मंडल वाले में से कोई कहता नहीं कि भाई चम्मच लेके फिर सो आप दूसरे हाथ लगा रहे, ये अच्छा नहीं है। अब यहाँ संस्कार जैसी बात नहीं देखी जा रही, बहुत मुश्किल हो।
कल आप बच्चों को यहाँ पर शिविर में भेजेंगे हेमंत विजय भारत, कल खाली सब संस्कार ही सिखाएंगे। अब लास्ट शिविर है क्या लाएंगे, बाकी सब सिखा दिया है, अब लास्ट शिविर में कल जो है सब संस्कार देने वाले। और यहाँ पर अगर ये एक निबंध आप सब लिखिए, हर माता हर पिता बच्चों को कैसे संस्कार दे, कैसे संस्कारों से बच्चों का जीवन करें, कितने लिखेंगे साहब बोलिए, माजी कितने लिखे, एक बार लिखेंगे 208 308 कितने लिखेंगे आप, अब लिखो तो से निबंध लिखो आप, चलो जितना निबंध के अंदर आप पॉइंट्स खाली 1 2 3 4 5 सिर्फ आप पॉइंट्स लिखिए, हम बच्चों को ऐसे संस्कार इस प्रकार के संस्कार देकर बच्चों का जीवन करें। एक माता पिता बच्चों के लिए एक शिल्पी का काम करते हैं, जैसे एक शिल्पी होता है पत्थर जैसे ऊबड़ धोबड़ मिल जाता है उसको एक बरोबर आकृति देकर के शिल्पी पत्थर की गढ़ाई करता है तब वो प्रतिमा बनती है। यूं रास्ते में पत्थर पड़ा है किसी को देखना भी पसंद नहीं पड़ेगा, ऐसा पत्थर पड़ा है ऐसा पत्थर पड़ा है, लेकिन जब वो उसके अंदर एक आकृति देकर ग्रहित करके प्रतिमा बनाता है तब हजार लोग आके सिर टेकने लग जाते हैं, तब हजार लोग आके दर्शन वंदन करने लग जाते हैं। अब यूं रस्ते पर पड़ा होगा लोग थूक के जाएंगे, कोई पेशाब करके जाएगा, कोई कुछ करके जाएगा, पत्थर जब एक पर्याय बदल जाती है तो सारे इसके परिवर्तन होकर प्रतिमा बन जाते हैं। लकड़े में से प्रतिमा बना लेते हैं, चंदन के लकड़े में से प्रतिमाएं बनाए लोगों ने, किस किस रूप में प्रतिमा बनाई। आपको दिया गया है एक कॉम्पिटिशन है 20 स्थानक तब करने वाले, अब 20 स्थानक का मॉडल तो बनाइए, 120 के ऊपर 20 स्थानक के तपस्वी है, 5-5 10-10 का ग्रुप बना करके 20 मॉडल तो बनाइए, अलग अलग रूप में 20 स्थानक को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं आप मॉडल बना कर देखिए। कॉम्पिटिशन संघ वाले यहाँ ट्रस्टी जी वगैरह सब बड़े उदार हैं साहब, तो आपको हजारों रुपए की इनाम देंगे, लेकिन यहाँ मैंने देखा पहले दिन से ड्राइंग शीट दी तो ले ली, लेके जाके घर में रख दी, नियम डायरी दी तो किसी ने ले जाकर मंदिर में रख दी, किसी ने ले जाकर घर में तिजोरी में रख दी, आप और भी जो कुछ दो सब लेंगे साहब लेके जाके रख देंगे। आज दिन तक चित्र नहीं बनाए कि हम चित्रों का एग्जीबिशन लगा सके, वो भी नहीं हो पाए, चित्रों के इनाम की बात हुई तो वो भी नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति के अंदर आप 20 स्थानक तब पूरा हो रहा है, बस कल एक व्याख्या है उसके बाद में दूसरा व्याख्या पारना हो जाएगा, खेल कर कहने के लिए आपने तब कर लिया, लेकिन कम से कम 20 स्थानों के 20 नाम तो याद हो गया आपको। हेमंत विजय महाराज आपको 20 स्थानक वंदनावली कराएंगे, सबको एक साथ 20 स्थानक की वंदनावली है और कैसे उसके अंदर शब्दों का संयोजन है आपको कराएंगे आयोजन से समय। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे किस तरह से ये भी जीव है, अग्नि काय के जीव, और इनके लिए भी जीवन जीना है। अब जीवन जीने के लिए इन अग्नि काय के जीवों को आप अलग अलग जो भी नाम दे रहे हैं आप इनको देव का नाम दीजिए तो भी चलेगा, आप इनको अग्नि का नाम दीजिए। यहाँ पर अग्नि काय शब्द के अंदर भी देखिए ये शब्द जिसके लिए है, ये जो दिखाई दे रहा है इसकी फ्लेम रूप में जो आप देख रहे हो ये है इसका शरीर। अब शरीर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, स्पार्क्स जो होते हैं वो भी इसका शरीर है, एक दिन का जो होता है वो भी शरीर है। आपने कभी किसी को चाकू की धार करते हुए देखा है, वो एक बिल चलाता है उसके ऊपर पत्थर है और वहाँ पर चाकू रख दी तो उसमें से निकलने वाले स्पार्क्स देखे। कभी वेल्डिंग वाले के यहाँ पर खड़े रहे हो तो वेल्डिंग करना है तो उसमें से स्पार्क निकल। अब ये चाकू यहाँ घिसी जा रही है और स्पार्क नीचे गिर रहे हैं, कितने सेकंड लगेगी, यहाँ से 2-4 फीट के अंतर पर यहाँ जैसे ही घर्षण हुआ कि अग्नि काय के जीव उत्पन्न हुए और यहाँ जाकर के नीचे गिरे, अब उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है।
यहाँ से यहाँ गए, 2 सेकंड 5 सेकंड में आयुष्य पूरा हो गया खेल कर। अब ये मिनिमम से मिनिमम कितना जीवन जिएंगे? जब महावीर को पूछा गया है भगवान ये हमने भाई जीवों का आयुष्य कितना है, भगवान ने कहा ये अंतर्मुक्त आयुष्य वाले, अब जो है अंतर्मुक्त तक ही जब इनको जीवन जीना है तो उसमें भी मिनिमम अंतर्मुक्त कौन सा है, मीडियम कक्षा का कौन सा है, मैक्सिमम कक्षा का कौन सा अंतर्मुक्त है, अब ऐसी स्थिति के अंदर जब ये अपनी कायिक जीव अपनी तरफ से जीवन जन्म लेना जीवन जीना और मरना इसी का नाम जिसको हम एक भव कहते हैं, आप इसको एक भव नाम दीजिए या इसी को आप एक जन्म नाम दो, इसका मतलब है ये कि यहाँ पर इनको जन्म लेना है, अब ये इनका जीवन जीना है और एक दिन वापिस यहाँ पर मरना है। अब मर करके ये जीव वापिस अपनी तरफ से दूसरे भाव में आगे जाएगा, जीव है आखिर आया हुआ जीव है, उसी को जन्म लेना, जन्म लेना मतलब क्या, एक जीव का आकर शरीर बनाकर रहना, एक जीव आया शरीर बनाया अब वो रहना, रहना कितने वर्षों तक कितने काल तक रहना, अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि चाकू के ऊपर घर्षण होते ही जैसे अग्नि का एक जीव उत्पन्न हुए बाहर गिर गए मर गए, कितना जीवन जिया, लेकिन गिनती जरूर होगी ये भी एक भव हुआ। अब ये सब हम करके आए, हम हमारी बात करें ऐसे भव हम सब करके आए, अब कितने भोग किए हमने ऐसे कितनी बार किए, अग्नि काय के अंदर हमने जाकर कितने बार कितने जन्म लिए, आप जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछे तो सिमंदर स्वामी के पास एक ही आंकड़ा आएगा, हे जी तूने भी अग्नि काय में जाकर अनंत भोग किए, हे जी अब वायु काय के अंदर जाकर के भी अनंत भोग किए, अब इतने जन्मों के बाद हम इन चक्कर में से बाहर निकल कर आज हम मनुष्य तक पहुंच चुके हैं, आज मनुष्य तक आए, अब हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये होना चाहिए कि अब इससे वापस नीचे गिर कर कल हम वापस अग्नि वायु में चले न। इतनी सावधानी अगर आपने रखी तो बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति जो अपनी तरफ से एक सिगरेट पीता है, अब उसने एक कागज के अंदर जो है तंबाकू तो रखी है, अब उसको अग्नि का संपर्श देगा तभी तो जलेगा, एक सिगरेट को अग्नि का स्पर्श देगा अब वो जलती जाएगी, अग्नि काय के जीव उसको खा रहे हैं, आहार मिल गया कागज का, आहार मिल गया तंबाकू का, आहार मिल गया उसको लेकर खा रहे हैं और अपनी तरह से जीवन जी रहे हैं। अब धुआं जो बाहर निकल रहा है, अगर वायु काय के अंदर यहाँ हम इतनी थोड़ी सी वायु अगर इकट्ठी करते हैं, ये अगर वायु के अंदर यहाँ पर आपको लिए इधर देखिए, अब इसके अंदर जो है जो तंबाकू का जहर है वो इस वायु काय के अंदर कितना आया है, तंबाकू के जहर की बात कर रहे हैं अभी हम, अब ये जो अवामन के अंदर आया है कितने प्रमाण में आया है, अब ये ऐसा खतरनाक है इसको नाम दिया है यहाँ पर एक प्रमाण का ये टैनिन नाम दिया है, तंबाकू के अंदर का इतना खतरनाक जहर है। दूसरा इसके अंदर एक नाम दिया है निकोटिन का जहर। अब ये ऐसा खतरनाक जहर इसके अंदर घुला है हवामान के अंदर, एक घर में अगर एक आदमी सिगरेट पीता है उसके घर के रूम की पूरी ऑक्सीजन खत्म होती है और पूरे घर के अंदर टैनिन या निकोटिन अंदर हॉल में भर जाती है, अब हॉल में घर में 2 जने 4 जने 10 जने वो भी तो श्वास लेंगे कि नहीं लेंगे,
छोटा बच्चा सो रहा है तो वो श्वास लेगा कि नहीं लेगा? जो भी घर के आदमी अगर सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, मेहरबानी करके घर के टेरेस पर जाकर के पी के आए, ताकि वो तो कैंसर में मरेंगे, उनके बच्चे नहीं मरेंगे, घर वाले दूसरे न मरे। इतनी खतरनाक एक बीड़ी सिगरेट है, ये धुआं उसके पूरे रूम के अंदर, बाप के घर के तो रूम है ही कितने, 10-12 फीट की तो रूम है, बेडरूम कितना है, 10-12 फुट नहीं। क्या है आपके पास रूम में, कितनी जगह आपके पास है? एक फ्लैट आपने लिया है, अरे वो करोड़ों का एक भाई साहब, एक डाइनिंग हॉल है, एक बेडरूम है, किचन है, एक इधर जो है, उससे ज्यादा आपके पास है क्या? एक सिगरेट के धुएं को फैलने के अंदर कितना एरिया चाहिए? अब जितना चारों तरफ का, जितना यहाँ का जो भी वायु का है, ये यहाँ के जितने वायु का वो होंगे, वो सब इसके साथ घुल करके एक रस बन जाएंगे। मतलब ये जहर, सिगरेट का जहर जो है वो आपके पूरे हॉल के अंदर भर जाएगा। अब वो तो जो दूसरे श्वास लेने वाले हैं उनको कैंसर, उनको ट्यूबरक्लोसिस टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक थोड़ी सी हो रही है साहब। एक आदमी सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, वो कितने लोगों का नुकसान कर रहा है, कितने लोगों का नुकसान, बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। उसको एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन का पता ही नहीं, आपने रसोई की और गैस जलाई, उसका जितना पॉल्यूशन नहीं बढ़ रहा है, उससे ज्यादा बीड़ी और सिगरेट का टैनिन और निकोटिन जो है वो एटमॉस्फेयर में आ रहा है। और कई अफसोस की बात है, कई युवक लोग बेडरूम में आकर के सिगरेट पी रहे हैं, और बेडरूम बंद है, खिड़की दरवाजे बंद है, बच्चा छोटा सा छोया सोया हुआ है, 10 महीने का बच्चा है, और पति घर के अंदर सिगरेट पी रहा है। अब 10 बरस के मासूम बच्चे की श्वास में, नाक में क्या जाएगा? जब सिगरेट पीने वाले की बात आती है तब तो आप सावधान हो जाते हो, लेकिन घरों के अंदर जिन महिलाओं ने अपने घर में वो अल्कोहल पर मच्छर मारने के जो रखे हैं साहब, वो भी क्या है, वो भी जहर है, खतरनाक जहर है। आपने लगा के रख दिए, अब इलेक्ट्रिक के करंट से वो जल रहे हैं, और उसके परमाणु हवा में बिखर करके पूरे रूम में फैल रहे हैं। अगर उस समय आपके रूम का टेम्परेचर लेकर के या पॉल्यूशन लेकर मापा जाए, तो आपको एक ऐसा यंत्र है वो साफ कहेगा आपके रूम के अंदर ऑक्सीजन 0% भी नहीं है, ये मच्छर मारने के सारे परमाणु यहाँ पर भरे पड़े हैं। अब 10 महीने का बच्चा उसी को श्वास में ले रहा है, और आज जो है इसलिए कान खोलकर आज लेबोरेटरी टेस्टिंग ये हो गई कि इस हवा का एटमॉस्फेयर में से लेकर के इसका लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाए, तो ये देता है कि दिस पॉइजनस एयर इन दिस रूम, सो ड्यू टू दिस टाइप ऑफ पॉइजनस पॉल्यूशन मैन कैन डाई इन द रूम। अदरवाइज कोरिया के अंदर अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि ये मच्छर मारने के कारण जो है लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो गई है, किसको ट्यूमर हुई है और किसी को पैरालिसिस हुआ है, इंटरनल सेल्स ऑफ द ब्रेन वो कैसे डैमेज हो रहे हैं। आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं, ऐसी गलती भूल से मत करिए। आप सिर्फ जो है कुछ नहीं, नीम का कड़वा तेल जो है, तेल के अंदर कड़वे नीम के पत्ते घोल करके उसका दीपक जला दो, 2 लविंग उसके ऊपर डाल करके रख दो, आपके घर के अंदर एक भी मच्छर नहीं आएगा, और बहुत सुरक्षित हवामान बन जाएगा, और ऑक्सीजन की सप्लाई भी रहेगी, और आपको नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा निर्दोष जो है सिर्फ मच्छरदानी लगा करके सो जाइए, मच्छरदानी पूरे बरस तक चलेगी आपके। ध्यान रखना, आप कितना भी पंखा चलाओ, आप सोचते हो पंखा चलाएंगे मच्छर भागेंगे, मच्छर नहीं आएंगे, हवा के फोर्स में जो है मच्छर नहीं आएंगे, लेकिन जब मौका मिलता है तो मच्छर आकर पैर के नीचे घुसता है, पता ही नहीं चलता है कि हवा का प्रेशर नहीं आ रहा है और ऊपर काटेगा। आप
करवट बदलोगे, आपके कपड़े पर मच्छर मरने के उसके खून के दाग पड़ेंगे, आपके धोने पर भी मच्छर के खून के दाग नहीं आएंगे। आप अनुभव कर लेना, आप देखोगे आपको ख्याल आएगा। और ऐसे खून के अगर मच्छर का मरा हुआ खून आपके कपड़े पर है, आप मंदिर में आते हो तो आपको प्रायश्चित आता है। ऐसे अशुद्ध वस्त्र खून के दाग वाले आप पहनकर मंदिर में नहीं आने चाहिए। आप मच्छरदानी पाके, अब मच्छर नहीं मरेगा, आपके कपड़े पर भी खून का दाग नहीं रहे। जड़ना पालनी है, जी रक्षा करनी है तो कैसे। मैं निवेदन करता हूँ आप सब को भाग्यशाली, घरों के अंदर अगर आपने मच्छर मारने के जो वो ला करके रखे वाले वगैरह जो भी नाम के भूल से भी मत रखना, कोई भी मत रखना, एक भी मत लाना भूल से। मच्छर तो नहीं मरेंगे, मच्छर बड़े समझदार होते हैं, वो भाग जाएंगे कहीं से भी, लेकिन आपकी जान को खतरा हो। नंबर तीन, आगे थोड़ा सा सोचिए, आजकल जो लोग अगरबत्ती लाते हैं सेंटेड अगरबत्ती, ध्यान रखिए न उसमें अत्र इत्र है, न कोई सुगंध है, न कुछ नहीं, खाली केमिकल्स। वो केमिकल सारे डाल करके जिस प्रकार की अगरबत्ती बनाई गई है, वो एक अगरबत्ती आपके सिगरेट जैसी है। ध्यान रखिए, एक आपके अगरबत्ती एक सिगरेट के जैसे आपकी 100 अगरबत्तियां जो है, इसका और इसके पॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए ऐसी सेंटेड अगरबत्तियां आप फिर ये हो गया मैं तो अमेरिका से मंगाई है, भाई साहब माफ करना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सारी अगरबत्तियां आपको अस्थमिक कंडीशन खड़ी करेगी, आपके अंदर धुआं शरीर में जाएगा। ये सेंटेड अगरबत्तियां एलर्जी खड़ी करती है, बहुत खतरनाक नुकसानकारक है। अब क्या है कि कोयला चाहिए और ऊपर गूगल रखो, गूगल का धूप आता है वो रखो, वो आपके काम का है। या फिर आपको सूखे हुए कड़वे नीम के पत्ते कहीं से मिले इकट्ठे कर लो, ला करके रखो, वो लाओ और उसको ऊपर रखोगे तो आपका फायदा है, बाकी नुकसान बहुत है। इस नुकसान से बचना चाहिए। आज लोग पैरालिसिस में जाते हैं, रोग होने के बाद हजारों रुपए खर्च करेंगे, डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे, सबसे पहले डॉक्टर 10-20 जाके टेस्टिंग कराएंगे। आज डॉक्टरों के यहाँ पर भी सीधा चक्कर नहीं है, वो अपनी बुद्धि और दिमाग कम लगाते हैं, वो सीधा मशीन डिपेंडेंट रहते हैं। आप ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ध्यान रखिए, शुद्धता का ख्याल रखिए। आप कपड़े धोकर साफ रखते हो, लादी पर पोछा लगा के साफ रखते हो, हमारे एटमॉस्फेयर को भी साफ। और इससे खतरनाक खेल तो जब होता है जब आप पटाखे फोड़ते हो, दीपावली के समय के अंदर पटाखे फोड़ते आप हजारों मील के एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड कर देते हो, सारी सल्फर की गंध उसमें बढ़ती है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान। ये हम अग्निकाय के जीवों का अभ्यास करेंगे, आप समझेंगे। आज दोपहर को यहाँ पर महिलाओं की शिविर है और